हेलो स्टूडेंट माई सर रिंकेश कुमार गुप्ता टीम मैथमेटिक्स सी एल सी सीकर तो आज अपन डिस्कस करते हैं जे एडवांस 2022 का पेपर सेकंड इस पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन हैं और थ्री सेक्शन है सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी सेक्शन ए में टोटल एट क्वेश्चन से ट्वेंटी फोर मार्क्स और ईच क्वेश्चन इज ए सिंगल डिजिट इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम जीरो करना है ठीक है तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेंशन किया गया है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर सच दैट अल्फा बीटा

देखो जब आप इसको केयरफुली देखोगे तो जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है जब आप इन दोनों में क्या लोगे बोलो एलसीएम तो अल्टीमेटली बेटा ये आपका फॉर्मूला बनने वाला है किसका फॉर्मूला बनेगा ध्यान दो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कोस बीटा अल्टीमेटली न्यूमीटर में आ गए कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी तो इसको आप लिख सकते हो स ऑफ एल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन बीटा कोस बीटा सिमिलरली सेकेंड और थर्ड फोर्थ की बात करोगे तो सेम एजिट इज इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन तो अगेन ये फॉर्मूला बनेगा कॉस ए माइनस बी का तो दिस इज अगेन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा इसके बाद क्या करना है समझे होल स्क्वार इसमें बात साइन अल्फा कोस अल्फा फिर इस पे होल स्क्वायर इसको अपन लास्ट में अप्लाई कर देंगे नो प्रॉब्लम तो देखो ये करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया इसको टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया उसके बाद न्यूमरेटर में तो कॉमन आएंगे टू कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा को मैं डायरेक्टली सकता हूँ टू बाई थ्री

तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिस इज लेट ए दिस इज लेट बी तो क्या आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना बन बाई थ्री और कोस अल्फा माइनस बीटा है टू बाई थ्री फिर फॉर्मूले में लगाएंगे प्लस फिर क्या आएगा कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा अब आप एक बार ध्यान देना ये जो एंगल गिवेन है एल्फा जीरो से पावे फोर है और बीटा माइनस पाइवे फोर से जीरो है तो जब आप चेक करोगे कि अल्फा प्लस बीटा विच क्वाड्रेंट तो बेटा अल्फा प्लस बीटा चलो देख लेते हैं एक बार में जीरो से पाई है और बीटा गिवेन है माइनस पाइवे फोर से जीरो तो जब आप इसको एड करोगे तो मिनिमम में मिनिमम एड कर दो मैक्सिमम में मैक्सिम तो माइनस पाइवे फोर से पाइवे फोर माइनस फाइवे फोर से माइनस फाइवे फोर माइनस फाइवे फोर से प्लस फाइवे फोर इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस अल्फा प्लस बीटा कैसा होगा पॉजिटिव तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी तो एक काम कर सकते हैं ये साइन अल्फा प्लस बीटा के बने दिस इज वन दिस इज थ्री तो क्या आ गया टू रूट टू तो अल्टीमेटली कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा टू रूट टू वाई थ्री तो आ गया टू रूट टू थ्री इतना आने के बाद क्या होगा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या करोगे आपको का चेक करना। तो है. तो तो है, बीटा है तो सबसे सिंपल ऑप्शन है अल्फा मिनिमम वैल्यू के तो की लोगे लोगे? जीरो की वैल्यू लोगे लोग और बीटा की मैक्सिमम वैल्यू जीरो लोगे तो ये तो आ गया जीरो और मैक्सिम के लिए इसको मैक्सिमम लेना है इसको मिनिमम तो यह फाइव बाई टू अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बहुत हार अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वार में है अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट और फोर्थ में है तो अल्फा प्लस बीटा का रोल तो है कॉस के अंदर तो फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव तो सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव में ही पुट करनी है तो देन इसके अकॉर्डिंग कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको टू बाई थ्री के है ये टू है ये थ्री है तो ये जाएगा रूड फाइव तो अल्टीमेटली कोस अल्फा माइनस बीटा जाएगा रूड फाइव बाई टू तो ये लोग तो फाइनली इसको सोल्व करने पे क्या गए टू प्लस टू रूड टेन अपॉन सॉरी ये थ्री था नाइन आ गया जब आप बात करोगे साइन टू बीटा की तो आप खुद समझ सकते हैं साइन टू लिए क्या करोगे इधर माइनस लगा दो आप और क्या है और माइनस लोगे तो क्या होगा ये प्लस साइन की वैल्यू पटो नाइन तो अपन में न्यूमीटर में आ गया टू कॉमन लोगे तो वन प्लस रूट टेन और प्लस नाइन अगेन वन माइनस रूट टेन ठीक है टू कॉमन लेना इसमें से इतना आने के बाद ये टू को मना के इससे कैंसिल नाइन को मना के इससे कैंसिल तो कितना आगे अल्टीमेटली फोर बाई टू इज टू और नाइन बाई थ्री इज थ्री तो टू डॉट थ्री जाएगा वन अपोन दिस इज रूट टेन प्लस वन माइनस के वन अपोन रूट टेन माइनस के वन ठीक है इसको क्या करो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ रूट टेन माइनस वन अपोन नाइन इसका रूट टेन प्लस वन अपॉन नाइन तो फाइनली आ जाएगा टू डॉट थ्री ब्रैकेट में रूट टेन माइनस वन और माइनस रूट टेन प्लस वन अपॉन नाइन आगे एलसीएम तो नाइन एलसीएम लेने के बाद टेन से टेन कैंसिल माइनस टू तो जाएगा माइनस के फोर बाई थ्री इसकी वैल्यू अच्छी होगी स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन बाई नाइन और सिक्सटीन वाई नाइन का जब स्टेप लोगे तो वन पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट नीचे क्या होगा वन तो इसका बेटा आपको आंसर फिल करना ठीक है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये मेन पार्टी था कि इसको फर्स्ट मोडेड क्वेश्चन में स्टूडेंट कर सकते हैं ठीक है चले उसके बाद बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना अपन को सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि इफ इज दी दी ऑफ डिफरेंशियल दिस पार्ट जो वाई एक्स है आपका वो इस इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन एक है एक्स पॉजिटिव लेना है वाई वन इज टू एंड दी स्लोप ऑफ दी कर्व वाई इक्वल टू वाई एक्स इज नेवर ने देन वैल्यू ऑफ टेन वाई रूट टू इज तो देखो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको अपन क्या कर सकते हैं बोलो वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं तो ये लिख सकते हैं इसको दिस इज एक्स डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इन टू डी एक्स तो फाइनली इससे क्या गया? Dy upon y square minus 4y equal to आ गया डी वाई अपोन वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू आ गया डी एक्स अपोन एक्स ये करने के बाद क्या लगाते थे दोनों तो तरफ इंटीग्रेशन तो किसका फॉर्मुला बनेगा ये जब भी वाई में क्वार्टे को डिनोमीटर में या एक्स में तो पहले बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर तो फॉर्मुला बन गया वाई माइनस टू को स्क्वायर माइनस के फोर दिस इज टू स्क्वायर सीधा गया एल एन मोड एक्स प्लस सी तो फॉर्मूला किसका हो गया वन अपॉन एक्स स्क्स ए स्क्वायर तो वन अपॉन एक्स स्क्स ए स्क्वायर क्या होगा एक्स माइनस ए तो वाई माइनस टू माइनस टू अपॉन वाई माइनस टू प्लस टू ठीक है और एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सीधा एल एन एक्स लिख सकते हैं इसको अपन एल एन एक्स प्लस सी इतना आने के बाद ध्यान दो ये वाई माइनस फोर और ये ओनली वाई आ गया तो फाइनली आ गया वन वाई फोर एलेन मोड वाई माइनस फोर अपॉन वाई का मोड इक्वल टू एलेन एक्स प्लस सी अब क्वेश्चन में मेंशन है सी की वैल्यू के लिए वाई वन आपको टू गिवन है इसका मीनिंग जब एक्स को वन पुट करोगे क्योंकि वाई इक्वल टू वाई एक्स केवे ना तो एक्स वन है इसमें तो वाई टू तो x को वन लेने 1 0, वन जीरो को टू लेने पर टू माइनस टू अपॉन टू वन एलन जीरो, तो कितना बोलो, जीरो। तो आपका आ गया, वन जीरो माइनस फोर, फोर अपॉन वाई इक्वल टू ln एक्स अब आपसे पूछा गया है y रूट टू की वैल्यू बताओ. तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है x को रूट टू पुट करना है तो जब आप x को रूट टू पुट करोगे तो आ गया एल एन वाई माइनस फोर का अपोन वाई का मोड इक्वल टू ये फोर इधर आ गया तो एल एन की पावर एक्स फोर हो गया क्या हो गया एक्स की पावर फोर तो एक्स की पावर फोर लॉ से लोक लो कैंसिल हो गया तो सीधा लिख सकते हैं दिस इज वाई माइनस फोर अपॉन वाई इक्वल टू एक्स की पावर फोर तो एक्स की पावर फोर तो रूट टू की पावर फोर, तो फोर इज Four. तो फाइनली आ गया वाई तो आ गया वाई माइनस फोर इक्वल टू फोर वाई हाँ वाई माइनस फोर इक्वल टू फोर वाई आने के बाद आप लिख सकते हो दिस इज इसमें दो के सिलेक्ट करते हैं अपन ये मोड है तो पहले एक बार मोड़ लगा देते के वेटर हैं इससे क्या ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो दिस आने के बाद सॉरी आ गया y माइनस फोर y इक्वल टू प्लस माइनस फोर ये बेटर ऑप्शन है ये करने के बाद जब आप टेकिंग प्लस की बात करोगे तो ये आ गया y माइनस फोर इक्वल टू फोर वाई कितना आ गया y माइनस फोर इक्वल टू फोर वाई तो देन दिस इज थ्री वाई इक्वल टू माइनस फोर तो इससे y आ गया माइनस के फोर वाई थ्री क्या आ गया y इक्वल टू माइनस के फोर वाई थ्री दिस पार्ट आने के बाद इसके बाद इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा अगर टेकिंग माइनस की बात करोगे टेकिंग माइनस पे क्या होगा माइनस तो हो 5 तो ये बन जाएगा आपका वाई माइनस फोर इक्वल टू ध्यान दो वाई माइनस फोर इक्वल टू माइनस की फोर वाई देन दिसवल टू फोर देन वाईक्वल टू हो जाएगा फोर अपॉन फाइव तो जो वाई की वैल्यू फोर अपॉन वाई लोगे आप वाई को क्या लोगे फोर अपॉन वाईव तो ये कितना मिल जाएगा टेन इंटू फोर अपॉन फाइव तो दिस टू तो इसका आंसर आपको फिल करना बोलो एट तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया गया ठीक है ध्यान दे उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या ध्यान दो थर्ड क्वेश्चन है दी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस पार्ट इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी इसकी क्या बतानी है अपन को ग्रेटेस्ट इंटीज लेना है तो देखो इस क्वेश्चन की जो मेन थीम थी वो क्या थी ध्यान देना ये जो दोनों फंक्शंस गिवन है फंक्शन आर रेसिप्रोकल टू सेकंड एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या रेसिप्रोकल है? है तो जैसे मैंने क्या किया इसको एफ एक्स मान लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग टू बेस एक्स क्यूब प्लस वन तो जब आप इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करोगे इसको ईलेट करोगे वाई के बाद एक्स की वैल्यू को करोगे फाइंड आउट तो जैसे आप एक्स की वैल्यू को क्या करोगे फाइंड आउट तो जाएगा वाई इक्वल टू एल लॉग ऑफ बेस में टू एक्स क्यू प्लस वन तो फाइनली कितना आ गया इससे एक्स क्यू प्लस वन इक्वल टू टू की पावर वाई देन एक्स इक्वल टू वी विल गेट टू की पावर वाई माइनस वन इक्वल टू वन थ्री तो एक्स की जगह क्या लगते हैं अपन एफ एनवर्स एक्स ये लोग कौन आ गया एफ एनवर्स एक्स आ गया तो फाइनली इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ये बन गया वन से टू एफ एक्स डी एक्स प्लस वन से टू बेस नाइन एफ एनवर्स एक्स डीएक्स इसको अपन को क्या करना है इंटीग्रेट करना है ठीक है तो चलो करते हैं स्टार्ट इसमें एक ही लाइन यूजफुल अपनी एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट तो जब भी आपको देखो ये दो इंटीग्रेशन है किसी भी एक इंटीग्रेशन में जब अपन आईलेट अप्लाई करेंगे तो दूसरा इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक उसको क्या कर देता है वो कैंसिल तो इस थीम से इस क्वेश्चन को किया गया है तो ध्यान दें इसमें मैंने काम किया इसमें सीधा पुट किया x को मैंने मान लिया f ऑफ t x को f ऑफ t लोगे तो dx कितना आ गया f डश t dt तो देन दिस इज दिस पार्ट एज इट इज फर्स्ट पार्ट एज इट इज सेकेंड पार्ट क्या होगा ध्यान दो डीएक्स तो आ गया एफ डैश टी और यह जाएगा एफ इनवर्स एफ तो टी इसको फर्स्ट लेट करेंगे इसको सेकेंड अब इंटीग्रेशन की लिमिट में क्या करोगे टी की लिमिट चाहिए तो देखो एक्स को बन लोगे तो एफ ऑफ वन इज वन तो टी आ गया एफ इनवर्स वन इसमें जब आपने एक्स को क्या लेट किया बोलो वन तो देन वी विल गेट टी इक्वल टू एफ इनवर्स वन सिमिलरली जब आप x को लेट करोगे log ऑफ टू बेस नाइन तो x को log टू बेस नाइन लेट करोगे तो इससे t कितना अचीव होगा f इनवर्स log ऑफ टू बेस नाइन तो आपको एक तो f इनवर्स वन की वैल्यू चाहिए तो सीधा सी बात है आपको इसको वन लाना है तो उससे f इनवर्स आ जाएगा अपने आप तो इसमें कुछ नहीं करना आपको x को लेट करना वन क्योंकि x को वन लेट करोगे तो log टू बेस टू इज वन तो एफ ऑफ वन इज वन तो देन एफ इनवर्स वन इज ऑल्सो वन तो इसकी लोअर लिमिट तो क्या होगी वन सिमिलरली अपर लिमिट में क्या करो एक्स को आप ले लो बेटा तो कि X को two लेने पे नाइन आ गए तो इससे मिल जाएगा आपको एफ ऑफ टू इक्वल टू नाइन लॉग टू देन एफ इनवर्स लॉग टू वे तो फाइनली तो, तो ये तो वन आ गया और ये सोल्व करने पर कितना आ गया बोलो टू तो इसकी दोनों की लिमिट क्या बन जाएगी बोलो सेम ये करने के बाद प्लस कैसे करते हैं फर्स्ट एज इट इज एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या एफ ऑफ टी लिमिट लगाओगे से माइनस इंटीग्रेशन वन से टू टी का डिफरेंशिएशन कब वन होगा हटाओ और एफ डे टी का dt. तो देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या होगा कैंसिल आउट तो उसका फाइनल आंसर आ गया टू एफ टू टू एफ टू माइनस एफ ऑफ वन एफ टू की वैल्यू लॉग टू बेस नाइन तो देन दिस इज टू लॉग टू बेस नाइन माइनस एफ ऑफ वन इज वन तो एक काम करो वन को लिखने के लिए या सबसे पहले काम करो टू को न्यूमिटर पावर में शिफ्ट कर दो ये आ गया एट्टी वन और इसको लिख सकते हैं टू बेस टू तो फाइनली आ जाएगा लॉग बेस में टू एट्टी वन बाई टू क्योंकि इसकी अपन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्मेट में लेके आना है एट्टी वन बाई अब आप जान दो वन 81 टू का मीनिंग क्या होगा 40 पोट समथिंग 41 के आसपास मान लो अब आप ये देखो अगर इस तरह 20 टू a log 30 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 5 लॉग 30 बेस 2 कितना होगा 5 और log 64 बेस 2 कितना होगा 6 तो फाइनली इसकी जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां लाइक करेगी 5 से 6 के बिटवीन

उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन फोर में सिंपल सी अपन को एक गिवन है, इक्वेशन सॉरी, उसको सोल्व करके एक्स की पावर में लॉग है और ये फाइव की पावर माइनस सिक्सटीन है तो उसका टेकिंग बोथ साइड क्या लेना लोग? जब दोनों तरफ लोग, लोग, लोगे तो क्या लॉग एक्स की पावर दिस पार्ट एज इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ फाइव की पावर माइनस सिक्सटीन और अपने एक काम करते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी बेस कितना है फाइव तो अपन इसका बेस क्या मान लेते हैं फाइव क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये पावर मल्टीप्लाई में होगी आपकी इसको मल्टीप्लाई में लेने के बाद ये माइनस सिक्सटीन भी मल्टीप्लाई में आ गया तो फाइनली किया जाए क्वेश्चन ध्यान दो देखो ये लॉग एक्स बेस फाइव है और ये भी दोनों क्या लॉग एक्स बेस फाइव तो इसको क्या लेट कर लेते हैं टी दोनों काम एक साथ की लॉग ऑफ एक्स बेस फाइव को आपने क्या लेट किया बोलो टी और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है पॉजिटिव रियल वैल्यूज और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉग एक्स है तो एक्स कैसा होगा बोलो पॉजिटिव इतना करने के बाद ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट होगा तो ध्यान दो बेटा ये आ गया 16 टी का क्यू और ये माइनस के सिक्सटी एट टी इंटू दिस इज ऑल्सो टी इक्वल टू क्या होगा माइनस के 16. इतना आने के बाद इसको टी से मल्टीप्लाई करो तो सिक्सटीन टी की पावर फोर माइनस सिक्सटी एट टी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो ये देखो टी स्क्वायर में क्वार्टिक है एक काम कर सकते हैं इसको फोर से डिवाइड करो फोर टी की पावर फोर माइनस सेवेंटीन टी स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू फोर इन फोर सिक्सटीन तो माइनस सेवनटीन को लिखेंगे माइनस सिक्स टी स्क् माइनस टी स्क्टर होंगे तो एक तो टी स्क्वायर फोर आ गया एक टी स्क्वायर वन बाई फोर तो देन वी विल गेट टी इक्वल टू प्लस माइनस टू और प्लस माइनस हाफ टी का मीनिंग है लॉग ऑफ फाइव इक्वल टू एक टेकिंग प्लस माइनस टू और प्लस माइनस हाफ जब आप फाइव की पावर को शिफ्ट करोगे तो देन इससे क्या आ गया एक तो आ गया फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एक वन बाय ट्वेंटी फाइव फाइव की पावर हाफ रूट फाइव और वन बाय रूट फाइव ये फोर इसकी वैल्यूज होंगी सोल्यूशन और ये ऑल फोर आर पॉजिटिव सोल्यूशन क्वेश्चन में पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देन वी विल गेट वन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो सिंपल सा क्वेश्चन है तो, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक था सेकंड भी ठीक था अभी तक कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पे था ही नहीं क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हो सेकंड थर्ड और फोर्थ ये चारों चारों के चारो क्वेश्चन मॉडरेट थे और ये भी भी एक सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन है है सी लिमिट को करना है। अभी कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जिसको स्टूडेंट आप कर ही ना पाए अप्रोच तो अप्लाई कर ही सकते हैं बेसिकली तो देखो इसमें क्या करना है बीटा लिमिट ऑफ एक्सटेंड टू दिस पार्ट तो देखो सबसे पहले काम करते हैं कुछ पार्ट में लगाते हैं स्टैंडर्ड लिमिट तो आपको पता होना चाहिए साइन एक्स स्क्वायर तो एक काम करो एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ये कितना बन जाएगा लिमिट जी, जीरो पे वन जी, और ऐसे ही साइन एक्स अपन एक्स इन टू एक्स लगा दो तो ये भी क्या बन जाएगा बोलो ठीक है तो ये लिखने के बाद फाइनली आपका क्वेश्चन आ गया बीटा इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो पावर एक्स माइनस ब्रैकेट वन माइनस एक्स क्यूब की पावर वन बाई थ्री प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू और ये माइनस मैंने सी की ब्रैकेट के अंदर है और इनटू में क्या आ गया बोलो एक्स और अपॉन में क्या आ गया बोलो एक्स क्यूब और ये ध्यान दो जब एक्स को जीरो लोगे तो इस सारा का सारा क्वेश्चन जीरो बाई जीरो फॉर्म में

तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सबसे बेटर ऑप्शन है इसमें अपन एक्सपेंशन यूज कर सकते क्या कर सकते हैं की पावर एक्सपेंशन इसमें भी क्यू का एक्सपेंशन और की पावर और आप ध्यान दें सभी इसमें डिनोमीटर में एक्स क्यूब प्रेजेंट है तो आपको ओनली टू टर्म्स तक ही एक्सपेंशन को यूज करना है क्योंकि तो टू टर्म्स तक जब आप एक्सपेंशन यूज करोगे तो न्यूमीटर से एक्स क्यू कॉमन आके डिनोमीटर को क्या कर देगा वो लोग कैंसिल आउट तो अपन उसी वे में इसको करने की ट्राई करते ध्यान तो दे सभी से क्वेश्चन थोड़ा होगा क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट सेकंड को यूज करना पड़ेगा तो बीटा इक्वल क्या, X X so तो क्या जाएगा वन प्लस एक्स की जगह रिप्लेस करना है, और अगला प्लस एक्स क्यू बाय सिक्स फैक्टोरियल टू और ये प्रोग्रामिंग आगे चलती रहेगी माइनस दिस इज आल्सो ब्रैकेट वन माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन वन प्लस लगाना है तो माइनस ये आ गया X cube by 3, 1 minus N into X, आगे जब लिखोगे तो पावर क्या होगी सिक्स होगी हायर पावर तो जरूरत है ही नहीं उसकी क्योंकि वो तो जीरो में जाने वाली है देखना भी अगले में भी यूज करोगे अगेन वन माइनस एन एक्स तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू आगे हायर पावर्स होंगी और ये आ गया माइनस के वन इन टू में एक्स और अपन में एक्स क्यू अब इसके बाद डायरेक्टली देखना अपन को तो देखो कैसे किया गया देखो जरा प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आओ इस प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल आओ और अब आप ध्यान दे इन दोनों में जब एक्स यू लोगे तो इधर तो जाएगा वन, और क्या तो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा और सारी जीरो में चले में क्या होगा ये के एक्स क्यू थ्री है, तो बचेगा पे पे माइनस के वन बाय थ्री एक्स्यू कैंसिल और इसके बाद हायर पावर है तो एक्स यू कोमन लेने के बाद भी एक्स कुछ टर्म्स होंगी तो जीरो रखने पे वो भी कहां चले जाएंगे बेटा जीरो में आफ्टर दैट ध्यान दो ये माइनस एक्सक्र बाई टू मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या जाएगा के तो कॉमन आके कहां चला जाएगा बोलो जीरो में और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें हायर पावर होगी एक्स क्यू कोमन लेने के बाद तो उसमें कुछ एक्स प्रेजेंट होगा तो एक्स को जीरो करने पर वो सारी टर्म जीरो होंगी तो ओनली इसमें आंसर होगा इससे तो वन अचीव होगा माइनस माइनस प्लस इससे वन बाई थ्री अचीव होगा उससे प्लस माइनस इज माइनस तो माइनस के हाफ अचीव होगा तो यह जाएगा वन वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू तो कितना जाएगा स्केल्सियम सिक्स लोगे तो माइनस के वन बाई सिक्स आ गया फाइनली ये वैल्यू आपको अचीव होगी फाइव बाई सिक्स तो आपसे पूछा गया है सिक्स बीटा तो बीटा आपका आ गया फाइव बाई सिक्स तो देन सिक्स बीटा की वैल्यू आपको फिल करनी है बेटा फाइव ठीक है एक सिंपल सा क्वेश्चन था तो स्टार्टिंग के फिफ्थ क्वेश्चन तक सिंपल थे ठीक है चले उसके बाद सिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है भी मॉडरेट क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ी एक नई थीम देखो इसको समझे कैसे किया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है बीटा वी ए रियल नंबर कंसिडर दी मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स की मैंने आपको थ्री क्रॉस थ्री की और क्वेश्चन में बोला गया कि इफ दिस पार्ट ये एक मैट्रिक्स है दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रही है बट ऐसा नहीं है इसमें इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसके डिटर्मिन की वैल्यू को आपको करना है जीरो तो उसको करने का थीम क्या है।, है तो सबसे पहले कॉमन जैसे आप ए की पावर फाइव कॉमन लोगे तो देट में आ गया ए स्कोर माइनस के बीटा माइनस वन इन टू है डायरेक्टली मैंने एक काम किया ए से मल्टीप्लाई तो माइनस के बीटा माइनस माइनस प्लस के ए और माइनस के बीटा ओनली बीटा है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर कभी भी आप नहीं ले सकते ए माइनस वन नंबर है तो इसको अपन आई से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई है, तो जब ए फाइव कॉमन लगे तो इधर क्या जाएगा आई ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है जीरो सिंगुलर का मतलब है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो करना है इतना करने के बाद केयरफुली देखें जब आप इनकी पेयरिंग करोगे तो अपन इनके इन दोनों में ए कॉमन लो इन दोनों में बीटा तो अपन इसके क्या कर सकते हैं बोलो फैक्टर कर सकते हैं तो देखो इससे क्या जाएगा ए पावर फाइव ब्रैकेट में एक कॉमन लेने पे आ गया की पावर फाइव ब्रैकेट में जैसे आप ए कॉमन लोगे तो दिस इज ए माइनस 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 प्लस ए स्क्वायर और ए में कॉमन क्या तो क्या ए प्लस आई लिखना है नॉट वन और सेकेंड और फोर्थ में कॉमन लोगे माइनस के बीटा तो अगेन वी विल गेट ए प्लस आई इक्वल टू जीरो आने के बाद ए की पावर फाइव इंटू ए प्लस आई इंटू ए माइनस बीटा आई इक्वल टू क्या लिखना बोलो जीरो इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट जीरो है डिस्पार्ट जीरो आप सेपरेट मोड लगा सकते हैं अगर ए बी इक्वल टू जीरो गिवन है ध्यान दे केयरफुली ये कहीं के लिखा हो कि ए बी का मल्टीप्लाई जीरो है तो आप ये तो क्वेश्चन रहोगे कि ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जीरो है तो वो दोनों जीरो मैट्रिक्स हो सकती है या नल मैट्रिक्स हो सकती है दोनों एक नल एक नोट नल और बोथ आर नोट नल अगर दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है फिर भी उनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स हो सकता है ठीक है बट अगर ये लिखा हो कि ए बी का मल्टीप्लाई जीरो है तो इसका मतलब है हंड्रेड परसेंट ए बी के मल्टीप्लाई का जब आप क्या लोगे डिटरमिनेंट तो उसकी वैल्यू क्या होगी बोलो जीरो और जब ये लिख दिया है तो अपन क्या कर सकते हैं ए का डिटरमिनेंट इन

बीटा आई का डिटीमेंट इक्वल टू जीरो तो अब इसके बाद आगे क्या करना था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इतना लिखना ही है इसमें। को जीरो किया और इसमें सिंपल इसके बाद है। ये जो मैट्रिक्स ए है जब आप इसका डिटिमेंट ऑफ ए क्या करोगे फाइंड आउट तो उसकी वैल्यू नोट न लाने वाली है क्यों क्योंकि जब इसको ओपन करो तो क्या बीटा माइनस टू प्लस टू जीरो हो गए जीरो के अकॉर्डिंग जीरो और प्लस वन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगी इसकी टू माइनस की थ्री तो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन है। इसका मीनिंग है ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता तो ये तो हो गया फॉल्स तो इन दोनों में से किसी को ट्रू होना चाहिए सिमिलरली ए पता है तो जब अपन ए प्लस आई की बात करोगे तो क्या करेंगे ए प्लस आई मेट्रिक्स के लिए अपन डायगोनल एलिमेंट में वन ऐड कर देते हैं तो जैसे आप डायगोनल एलिमेंट में वन ऐड करोगे तो क्या होगा ये बीटा ये जीरो ये वन टू थ्री टू माइनस टू वन एंड माइनस वन तो अगेन जब आप इसका क्या लोगे तो जैसे ही आप इसका क्या लोगे डिट तो क्या होगा ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई तो ये जीरो बन जाएगा और ये अगेन आपका क्या आएगा माइनस वन मतलब ए प्लस आई का डिटमेंट अभी भी क्या नहीं हो सकता जीरो तो ये भी कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब इसको जीरो होना मस्ट है तो बस अब अपन इसको दोबारा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है ए माइनस बीटा आई की वैल्यू चाहिए तो ये ए है माइनस बीटा आई का मतलब थ्री की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन बीटा से मल्टीप्लाई कर तो बीटा जीरो 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 बीटा जीरो एंड तो ए माइनस बीटाई करने पे क्या आ गया सीधा ले लेते इसका डिटमेंट इज जीरो बीटा की वैल्यू क्या होगी अचीब बीटा माइनस बीटा जीरो हो गया ये जीरो आ गया देखते हैं एक बार कंफ्यूजन तो लग रहा बट कोई बात नहीं कुछ गुणा भाग में गलती हो सकती है बाई चांस टू माइनस जीरो इज टू दिस इज वन माइनस बीटा ये माइनस टू होगा थ्री वन माइनस टू माइनस के बीटा ठीक है तो ये अपन को क्या करना है बोलो सिंप्लीफाई करना है जैसे ही आप इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई तो आपको बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ठीक है तो इससे जो बीटा होगा उसको पुट कर देना तो आंसर इससे सॉल्व करने पे जितना मेरे को पता है बीटा की वैल्यू शायद टू बाई थ्री आती है ठीक है तो ये पुट करने से आंसर आ जाएगा हाँ इससे जो बीटा है वो गलत लिख दिया इसमें तो इक्वल टू जीरो आने के बाद जब आप इसको वन के अलोंग क्या करोगे ओपन तो क्या जाएगा टू माइनस थ्री बीटा इक्वल टू जीरो आ गया तो देन थ्री इंटू बीटा यह सीधा कर सकते हैं टू माइनस थ्री प्लस थ्री बीटा जीरो तो इससे बीटा क्या जाएगा वन बाई थ्री तो बीटा को जब वन बाई थ्री पट करोगे तो इसका आंसर आपको क्या फल करना बोलो तो इस तरीके से क्वेश्चन किया गया तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन देखो इट्स ए गुड क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपको हाइपरबोला की कुछ प्रॉपर्टी को यूज करना तो देखो कैसे किया गया पढ़ो क्वेश्चन को

पॉइंट पी की एस वन पी का मतलब जो लाइन एस वन पी उससे डिस्टेंस बोली गई है और बीटा का मतलब एस वन पी एस वन और पी के बीच की डिस्टेंस है देन दी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बीटा डेल्टा अपो 9 साइन अल्फा बाई टू इसकी आपको ग्रेटेस्ट का मतलब इसका इंटीजर पार्ट आपको करना फंडा हो तो देखो एक रफली इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन पहले अपन ड्रॉ करते हैं हाइपरबोला। ये इसकी फुकाय एस वन बोली गई है और ये इसकी फुकालेट एस है इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करना है अपन को इस पर एक एनी पॉइंट है पी इस पॉइंट पी पे सबसे पहले मैंने ड्रॉ की टेंजेंट। क्या ड्रॉ की बोलो टेंजेंट। पॉइंट पी है ये करने के बाद P को अपन S1 से ज्वाइन कर देते हैं और S से ज्वाइन कर देते हैं कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम फिर क्वेश्चन क्या बोला गया पॉइंट S से एक लाइन पास करेंगे पैरेलल टू टेंजेंट तो इससे एक लाइन एग्जेक्टली exactly इसके पैरेलल पास करनी है ये लाइन इसके पैरेलल है फिर बोला गया इस पॉइंट P से जो एक लाइन पास होती है सॉरी एस वन पी लिखा हुआ ना इंटरसेक्ट लाइन एस वन पी एट पी टेंजेंट जो पॉइंट पास होगी जो होगी उसका स्लोप पॉइंट पी पेट की कुल है. After that, जो एस पॉइंट से लाइन पास होगी लाइन क्या करती है एस वन पी जो स्ट्रेट लाइन है तो एक काम करते हैं इस एस वन पी को अपन आगे क्या करते हैं एक्सटेंड तो ये पॉइंट बोला गया पी वन इतना लिखने के बाद अब आगे थीम क्या दो और कुछ बोला गया हां डेल्टा क्या है पॉइंट पी की एस पी वन मतलब इस लाइन से डिस्टेंस है पॉइंट पी की तो एक काम करें इस पॉइंट से क्या ड्रॉ कर देते परपेंडिकुलर इसको नेम दिया गया डेल्टा क्या नाम दिया गया बोलो डेल्टा तो अपन को बीटा डेल्टा पॉइंट नाइन Sin 2 की को क्या करना है बोलो कैलकुलेट तो इसको थीम क्या जान दे सभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक काम किया टोटल एंगल अल्फा है ये आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है किसी पॉइंट पी पे आपने टेंजेंट रोकी वो टेंजेंट उस पॉइंट पी को दोनों फुकाए से ज्वाइन करने वाले सिगमेंट को या एंगल को बाइसेट करती है कि टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट पी बाई दी एंगल बिटवीन है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये एंगल आपका अल्फा बाई टू होगा और ये भी एंगल क्या होगा बोलो अल्फा बाई टू इसमें बहुत अच्छा यूज है इस बात का इतना करने के बाद एक स्टेप और करते हैं इसमें क्या किया मैंने इस पॉइंट देख ध्यान देना ये दोनों लाइन पैरल है ये बहुत अगर ये है, तो आप इस, इस पॉइंटिकुलर तो तो बोलो सेम इसको मैंने नाइम दे दिया एन एस एन का मीनिंग डेल्टा होगा इसमें सेम थिंग क्या की क्योंकि मेरे को बीटा और डेल्टा क्रिएट करना है इस क्वेश्चन में बीटा का मीनिंग क्या है एस वन पी तो एस वन पी की वैल्यू के लिए क्या किया इस S1 से अगेन आपने स्टेंजन पे क्या डॉकी परपेंडिकुलर इस पे परपेंडिकुलर इसको नेम दे दिया लेट M तो दिस ट्राइंगल में डेल्टा पी एस डेस एम में अपन यूज कर सकते हैं साइन थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर 90 की अपोजिट हाइपोटेनियस है, तो साइन अल्फा बाई टू किया जाएगा दिस बाय दिस तो देन वी कैन राइट नाउ साइन ऑफ अल्फा बाई एस डेस एम अपोन एस वन पी एस वन पी क्वेश्चन में बोला गया बीटा ये कितना बोलो बीटा तो एस वन पी को बीटा लोगे तो देस डैस एम आ गया बीटा साइन एल्फा वाई टू देखो कितना ट्विस्ट आने वाला क्वेश्चन में अब देखना जिसकी वैल्यू पूछी गई उसमें काम करते हैं अपन बीटा साइन अल्फा बाई टू ये तो कितना है एस डेस एम एस डेस एम अपन में दोनों लिखने लिखना लिखना है और जो डेल्टा है इस डेल्टा का मीनिंग है एस एन और अब आप इसको केयरफुली देखो दोनों को एस डेस एम का मीनिंग है एस एन का मीनिंग है फोकस की टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एस एसडेस एम का मीनिंग है फोकस की अगेन टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि दोनों फुकाए से ये प्रॉपर्टी पैराबोला में भी वैलिड है और हाइपरबोला में भी सॉरी पैराबोला में और एलिप्स में एलिप्स और हाइपरबोला में सॉरी तो किसी भी टेंजेंट पे उसकी दोनों फुकाए से जब आप क्या डॉ करते परपेंडिकुलर तो उनके परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट हमेशा Minor axis के, के क्या होता 9. बहुत अच्छा था है दो तीन प्रॉपर्टी का यूज था सबसे पहले तो ये एंगल क्या करता बाई से तो ये यूज़ था तो इससे क्या होगा ये रिलेशन मिलेगा आपको और ये पता होने के बाद अभी सोचना है कि मेरे को इस पर क्या ड्रॉप करना परपेंडिकुलर इससे मेरे को बेनिफिट ही हुआ क्योंकि जब आपने वैल्यू पुट की तो एसडेस एम आ गया फुकाएगी तो अपन दूसरे पार्ट को भी फुकाय की टेंजेंटो लेंथ में क्या लिख सकते हैं इक्वल क्योंकि ये लाइन इसके क्या होगी पैरेलल है तो देना दोनों लेंथ सेम होंगी और b² का मतलब है 64 तो 64 अपॉन 9 7. समथिंग आ जाएगा और अगर ये 7. समथिंग है तो इसका स्टेप क्या होगा 7 तो इसका आंसर आपको बेटा 7 फिल करना ठीक अच्छा है अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर एट में बेसिकली अपने को क्या करना है टू फंक्शन के है इनका एरिया क्या करना बोलो कैलकुलेट ए और जी फंक्शन है R R में Fx है है ये एक बोला है. और एक फंक्शन डी हाँ, इसमें ध्यान दे माइनस मोड एक्स थ्री बाई फोर से लेस है और मोड एक्स थ्री बाई फोर से ग्रेटर है तो दोनों के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे उसके बाद बोला गया अल्फा इज अल्फाइज एरिया ऑफ दी रीजन

तो जब आप इसके डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो देखो क्या करना है यह जाएगा ऐसे और सीधा देखो एक्स को जीरो, लेने पे टू आ गया। और पे जीरो बन जाएगा ये और ये भी क्या बन जाएगा जीरो तो ये लाइन ऐसे बनेगी आगे अपन को ये लाइन लेनी है ये थ्री बाई फोर है और ये भी कितना बोलो थ्री बाई माइनस लगाना और ये बनेगा वर्ड पैराबोला ये पॉइंट है जीरो कोमा टू तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई ट्वेल्व का डायग्राम बनेगा वर्ड पैराबोला तो फाइनली ये रीजन आपको स्केच करना है रीजन कौन सा है ना वाई की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है और दोनों का मिनिमम मिनिमम का नीचे वाला पोर्शन ये लो इतना आने के बाद थोड़ा केयरफुली देखें जो ये डायग्राम है

इस ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन जीरो से हाफ एफ एक्स डी एक्स प्लस क्योंकि ये कौन है बोलो एफ एक्स है और हाफ से थ्री बाई फोर जी एक्स डी एक्स तो चलो सीधा क्या पर करेंगे इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीगेशन क्या जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री प्लस फाइव एक्स बाई ट इस पे लिमिट है आपकी जीरो से बाई टू सेकेंड फंक्शन कौन है इस कर्व का एरिया होगा वन माइनस फोर इस कर्व की क्वेश्चन क्या होगी वन माइनस फोर एक्स बाय थ्री अपॉन टू क्योंकि इस पार्ट में एक्स पॉजिटिव है तो मोड आपका प्लस के साथ क्या होगा ओपन होगा ठीक है ना तो ये टू तो बाहर है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वन का एक्स करोगे और x का एक्स स्क्वायर बाई टू तो टू कैंसिल कर देना तो या गया टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री लिमिट क्या होगी इस पर वन बाई टू से थ्री बाई फोर इसको ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू अचीव होगी तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जितना मेरे को पता है अल्फा की वैल्यू क्यों मिलेगी टू बाई थ्री अल्फा को टू बाई थ्री लोगे तो क्या आंसर जाएगा इसका बोलो सिक्स तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया उसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन टू की तो सेक्शन टू में सिक्स क्वेश्चन है और मोर देन वन के क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंशन इसमें ये मार्किंग आपको सबको पता होनी चाहिए इसको आप रीड करें केयरफुली तो देखो लेट पी क्यू आर एस वी ए क्वारिलेटरल इन ए प्लेन जिसमें आपको क्यू आर एंगल पी क्यू आर QRS और पी आर एस फोर्टी डिग्री है इफ एंगल आर पी एस टीटा है बीटा है, दी वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज ओब्लिकार इसकी वैल्यू उसके अंदर लाई करती है क्वेश्चन को पढ़ें। दी इंटरवल दैट दी वैल्यू ऑफ दिस पार्ट जिस इस वैल्यू को क्या करता है वो कंटेन तो चलो सबसे पहले रफली अपने पी क्यू आर एस p q r एंड s इनको ड्रा कर देते हैं डायगोनल्स को इसकी जरूरत पड़ी क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोला गया एंगल pqr देखो सबसे पहले थे काम करो स्मॉल एंगल को एंगल prs p rs बोला गया 40 ये 40 है और एंगल pqs pqs ये बोला गया 15 डिग्री एंगल पी क्यू आर आपका सेवेंटी है तो ये फिफ्टी फाइव डिग्री आ जाएगा और एंगल क्यू आर एस ये भी कितना है सेवेंटी डिग्री तो ये कितना आ गया बोलो थर्टी ये लेंथ बन बोली गई है पी क्यू अल्फा बोला गया है ये बीटा मेंशन है और ये एंगल आपको है। ये सारी इंफॉर्मेशन के बनाए इस क्वेश्चन का जो सबसे ट्विस्टिंग पार्ट था वो क्या था ध्यान देना क्योंकि आपको फुल अल्फा बीटा साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा की वैल्यू के लिए तो क्या करेंगे अपन इस ट्राइंगल में लगाएंगे साइन लो तो मैं लिख सकता हूं साइन थर्टी अपॉन अल्फा इक्वल टू साइन दिस अपॉन वन तो ध्यान दे ये थर्टी ये सत्तर तो ये आगे गया एट्टी ये एट्टी आने के बाद सबसे पहले क्या लिखा डेल्टा पी क्यू आर में अप्लाई करेंगे अपन साइन लो तो लिख सकते हैं साइन थर्टी अपॉन अल्फा इक्वल टू साइन एटी अपॉन बीटा सॉरी वन

सॉरी एस आर क्यू एक कैसा ट्राइंगल है क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी कॉरस्पोडिंग साइड क्या होंगी बोलो इक्वल तो देन अगेन डेल्टा एस आर पी में अप्लाई करेंगे साइन लो तो देन वी कैन राइट नाउ साइन थीटा अपॉन वन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वन इक्वल टू साइन फोर अपॉन बीटा तो डायरेक्टली बीटा साइन थीटा, बीटा साइन थीटा कितना आ गया बोलो साइन फोर्टी बीटा साइन थीटा फोर्टी आ गया तो आपको क्वेश्चन में गिवन है फोर अल्फा का मतलब वन वाय टू साइन एटी अल्फा और बीटा साइन थीटा की वैल्यू साइन फोर्टी इतना एक काम करो ये फोर से टू कैंसिल आउट हो गया साइन 80 को लिख सकते हैं 2 साइन 40 कोस 40 तो इससे एक बेनिफिट और हो गया साइन 40 और 2 कैंसिल आउट तो अल्टीमेटली आ गया 1 कोस 40 मतलब दिस इज sec 40 अब आपको देखना है कि सेक 40 की वैल्यू किस इंटरवल में हो सकती है तो एक सीधी सी बात सुनो ना अपन कोस 40 की बात करते हैं कोस 40 की वैल्यू आप cos के डायग्राम से देख सकते हो इलेट 40 है कोस फोर्टी की वैल्यू कोस थर्टी से कम होगी लेकिन कोस फोर्टी फाइव से ज्यादा होगी ठीक है तो कोस फोर्टी की वैल्यू कोस फोर्टी फाइव से तो क्या होगी ग्रेटर और कोस थर्टी से क्या होगी लेस हो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये आ गया वन बाई रूट टू और यह जाएगा रूट थ्री वाई टू तो सेक फोर्टी इसका क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल तो सेक फोर्टी की वैल्यू लाइज बिटवीन टू रूट थ्री से रूट

तो क्वांटिटी की वैल्यू थर्ड और फोर्थ के बिटवीन लाइन नहीं करती है तो देन इसका ओनली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है ठीक ठीक तो एक क्वेश्चन था इसमें मेन थ्योरी क्या थी आपको ये ये साइड साइड चेक करनी है आने के बाद एक बार इस ट्राइंगल में साइन लो लगा दो एक बार इस ट्राइंगल में साइन लो इसको लगाने से आप इजी गोइंग में इस फोर बीटा साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो उसके बाद देखो टेंथ क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोला गया ध्यान दें अल्फा के मैंने सिग्मा के इक्वल टू वन से पावर टू के अल्फा अचीव कर सकते हैं फिर बोला गया जी एक फंक्शन है कि like तो कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में इसकी मिनिमम वैल्यू की बात की है। सेकेंड में मैक्सिमम वैल्यू की बात की है, थर्ड और फोर्थ में बोला गया, है। GX at तो देखो कैसे किया गया? Question, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं ये जो गिवन है इसको ले सकते हैं साइन स्क्वार की पावर के तो साइन स्क्वारोर की पावर के आ गया और जब के की लिमिट लगाओगे तो ये क्या बनेगी इंफिनिटी जीपी तो के को वन लेने लेनेन बाई फोर हो जाएगा टू लेने पे वन बाई फोर का स्क्वायर अप टू सो वन तो इन्फिटी जीपी का फॉर्मूला ए अपन माइनस आर तो ए तो वन बाई फोर है तो तो इससे अल्फा आ गया अपने पास वन बाई थ्री इन्फिटी सीरीज का सम लगाने से अल्फा कितना आ गया वन बाय थ्री इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें अब अपन को देखना है कि जी एक्स की मिनी वैल्यू कब हो सकती है और क्वेश्चन में ऑलरेडी जी का इंटरवल के है जीरो वन तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे तो वैल्यू चेक करना मस्ट जान देना तो जीरो पे वैल्यू क्या होगी टू की पावर जीरो वन और प्लस और जीरो लेने पे ये जीरो टू की पावर है टू की पावर है ए का मीनिंग वन बाई थ्री और वन लेने पे ये जीरो

इसका कर सकते डिफ्रेंशिएशन अपना अल्टीमेटली जी एक्सन है टू की पावर एक्स बाई थ्री प्लस टू की पावर वन माइनस एक्स वाई थ्री तो जैसे ही आप इसका जीडेस करोगे तो कितना आएगा ध्यान दो टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स वन बाई थ्री आ गया और एल एन ऑफ टू माइनस है तो पहले माइनस लगा देते अगेन वन बाई थ्री टू की पावर एक्स वाई थ्री दिस इज एल एन ऑफ टू तो फाइनली इसमें common ले सकते हैं, टू तो के साथ के साथ, है इसको, तो इसको की पावर एक्स बाई थ्री माइनस टू की पावर तो जब इन दोनों को जीरो करोगे तो जीरो करने का मतलब तो बेस इक्वल तो पावर क्या बन जाती है बोलो इक्वल तो इसको इक्वल करके देख लेते हैं और क्या तो एक्स वाई थ्री इक्वल टू क्या जाएगा वन माइनस एक्स बाई थ्री थ्री एक्स थ्री एक्स तो एक्स आ गया वन बाई टू लो तो ज्यादा नहीं सोचना को वन टू कर देते हैं। तो जी वन बाई टू क्या जाएगा टू की पावर वन बाई सिक्स अगेन टू की पावर वन बाई सिक्स तो डबल हो गए टू डॉट टू की पावर वन बाई सिक्स तो इसका मतलब टू की पावर सेवन बाई सूजन होगा कि सर ये वैल्यू वन से बड़ी क्योंकि दोनों वैल्यू एक जैसी है तो इसका सीधा बेटर ऑप्शन देना या आपको पता होना चाहिए या फिर आप इक्वेट कर सकते हो ये वन बाई टू पे जीरो है जब आप वन बाई टू से ग्रेटर वैल्यू लोगे वैसे मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको लॉजिकली भी समझा सकता हूं आप एक काम करो इसमें टू की और 2 की पर एक्स को सेपरेट कर दो जब सेपरेट करोगे तो इधर हमेशा क्या आएगा प्लस और क्या आएगा या फिर एक काम करो ना 1 by 2 से गेटर वन रख के देख लो टू से गेटर जब वन से बड़ा वन से छोटा तो इधर नेगेटिव इसका मीनिंग है एक्स की वैल्यू जब वन बाई टू से लेस लोगे तो ये फंक्शन डिक्रीजेंगे और वन बाई टू के बाद फंक्शन इनक्रीजेंगे ऐसे समझ सकते हैं अपन प्रॉपरली जीरो 1/2 एंड क्योंकि इससे आप प्रॉपर वे में जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 2 की पावर 7/6 और दिस पार्ट में व्हिच इज ग्रेटर वैसे सॉरी दिख गया ये तो नहीं 7/6 का मतलब 1. समथिंग तो 2 की पावर 1. समथिंग का मतलब 2 की पावर 1. समथिंग की वैल्यू 1. समथिंग के आसपास होगी वैसे कर तो सकते हैं 2 की पावर 7/2 की पावर 6 ऐसे समझ सकते हो आप ये आ गया 2 की पावर

और फंक्शन की जो मैक्सिम वैल्यू है वो X की दो सेम वैल्यू पे अटेंड करती है फंक्शन तो क्वेश्चन तो में बहुत है. तो है कि आप इसमें चेक करो कि वन बाई टू पे फंक्शन डिजेंगे कि की नहीं कीजेंगे तो इससे पता चलेगा ठीक है तो इसका वन टू थ्री आंसर करेक्ट होगा हाँ, अगला क्वेश्चन क्या देखो लेट जेड बार डिनोट दी कॉम्प्लेक्सुएट ऑफ ए कॉम्प्लेक्सुएट हो गया जेड इज इन नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बार का स्क्वायर प्लस वन बाय जेड स्क्वायर आर इंटीजर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका जेड बार का स्क्वायर प्लस वन बाय जेड स्क्वायर इस

ये करने के बाद इसका लेते तो तो लेने पे जाएगा जेड बार इनटू जेड का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर आपको मोड जेड की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले काम करते हैं मोड जेड की वैल्यू के लिए हाँ इसका मीनिंग है जेड इनटू जेड बार का मतलब मोड जेड का स्क्वायर तो आ गया एल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू मोड जेड की पावर फोर प्लस वन अपॉन

अल्फा प्लस आईटा बीटा का मोड क्या होगा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो स्क्वायरिंग करने पर आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू मोड जेड की पावर फोर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन मोड़ जेड की पावर फोर इतना आने के बाद आपको क्या चाहिए मोड जेड फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ध्यान देना आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा प्लस बीटा बोला गया और क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट है वो दोनों कैसे इंटीजर है इसका मीनिंग है अल्फा एंड बीटा बोथ आर इंटीजर लिख देते हैं साइड में अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर इंटीजर अब इस इक्वेशन से सबसे पहले काम करते हैं मल्टीप्लाई करके अपन मोड जेड की वैल्यू चाहिए तो एक काम करो इसमें कौन लिखेगा इसको बार बार मोड जेड की पर फोर को मैंने क्या मान लिया बोलो टी तो क्वेश्चन आ जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ऑफ टी सबको वन साइड ले आते हैं तो इट इज बिकम क्वार्टिक इन टी तो क्या जाएगी टी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साथ ही साथ मैंने माइनस टी कॉमन ले लिया प्लस वन इक्वल टू जीरो टी में क्वार्टिक है तो इसे टी आ गया टी का मतलब मोड जेड की पावर फोर आ जाएगा माइनस बी मतलब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू प्लस माइनस रूट ऑफ दिस इज बी स्क्वायर का मतलब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एज वन तो बताओ मोड जेड कितना आ गया इससे मोड की वैल्यू होगी दिस ब्रैकेट की पावर वन बाई फोर अब आप ध्यान दो केयरफुली इसी के बाद क्वेश्चन में ट्विस्ट है अपोन में तो टू आ रहा है ये जो क्योंकि इसने पूछा है पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो बता भी नहीं सकते अपन कि क्या क्या आंसर होंगे इसके इन्फिटिव सोल्यूशन हो सो सकते हैं ध्यान दो पहली बात तो सुनो अपोनमी टू आ रहा है चलो कोई नहीं टू आने का तो तरीका और भी हो सकता है और एक बात समझ सकते हो अगर मी टू है बात को सुनना केयरफुली अपन को पता है मोड जेड में टू आ रहा है अगर में टू है तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में टू कैंसिल करने का में टू लाने का तरीका है कि इधर टू को मनाना चाहिए इधर टू को मनाना चाहिए और इधर थ्री कॉमन बट इनमें ऐसा कुछ कॉमन नहीं होगा तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो कभी आ ही नहीं सकता फिर भी उसका वे है अल्फा और बीटा इंटीजियर तो आप ये कर सकते हो जैसे मेरे को फर्स्ट ऑप्शन की बात करनी है इधर फोर्टी थ्री लेके आना है भाई टू तो ऑलरेडी है इसमें इसको फोर्टी थ्री लाने के लिए

इधर मिल सकते हैं और इधर सेवन मिल सके ठीक है थीके? तो सीधी सीधी थीम थी इस क्वेश्चन में जब इसमें अल्फा को सिक्स और बीटा को थ्री तो क्योंकि अल्फा बीटा क्या गए इंटीजर तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स थ्री का स्क्वायर नाइन थर्टी सिक्स और नाइन फोर्टी फाइव माइनस टू फोर्टी थ्री और अंदर वाला पार्ट एजीटी मिल जाएगा तो इसका फर्स्ट ऑप्शन फिल करना है बाकी कोई भी ऑप्शन अल्फा बीटा की कुछ भी पेयरिंग पुट कर दो अचीव नहीं हो सकते ठीक है ना अल्फा बीटा एन ध्यान देना तो इसका ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ठीक है चले क्वेश्चन में क्या बोला गया सुनो लेट जीवीए सर्किल ऑफ रेडियस आर एक सर्किल है जी जिसकी रेडियस आर है पॉजिटिव G1, G2, Gn वाले n सर्किल्स ऑफ इक्वल रेडियस r इसमولا। सपोज ईच ऑफ़ दी n सर्किल्स G1, G2, Gn टच सर्किल G एक्सटर्नली। ये जो G1, G2, Gn सर्किल है वो सर्किल G को बाहर से क्या करते हैं? टच करते हैं। For i equal to one to n minus one, one से लेके n minus one तक सबके लिए सर्किल Gi टच Gi plus one। मतलब G1 सर्किल G2 को टच करेगा, G2, G3 को अप टू सो ऑन एंड जी एन टच टच ए जीवन एक्सटर्नली और जो लास्ट वाला सर्कल है जीएन वो जीवन को भी क्या करता है टच क्योंकि तो लास्ट को फर्स्ट से भी क्या करना टच कराना है देन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर आर ट्रू मतलब एन को 1, 2, 3, 4 लेने पे आर में देखना है, कौन विच इज ग्रेटर और लेस तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया गया ये एक लाइट एक सर्किल है जी एक सर्किल मैंने ऐसे ड्रॉ किया फिर अगला सर्किल इसको ऐसे टच करेगा तो समझाने के लिए दो तीन बनाते बाकी हटाना इसको भी है तो देखो इसको थीम क्या करने की ये इसका सेंटर है ये इसका सेंटर है इसको ऐसे ज्वाइन किया और इसको ऐसे ज्वाइन किया तो आप खुद समझ सकते हो ये कैपिटल सिंपल सा क्वेश्चन था और और ये R, R. अब आपको बताओ जब ऐसे ज्वाइन करोगे तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे बोलो लोग एन ट्राइंगल्स और ये जो एंगल होगा ये कितना जाएगा टू पाई वाई एन ईच का एंगल क्या होगा टू पाई वाई एन तो सिंपल एक काम करो ना ये लेंथ आपको पता है तो कि अपन को आर स्मॉल आर और एन में क्या लाना रिलेशन उस रिलेशन आने के बाद अपन एन की वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे कि कौन सा रिलेशन करेक्ट हो सकता है तो इस बन गया कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो सीधा कोस, टू पाई वाई का अप्लाई करोगे तो क्या जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर ये लेंथ कितनी आर प्लस आर ये भी तो कितना हो जाएगा डबल माइनस टू आर का मतलब फोर आर स्क्वायर अपन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अगेन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इतना आने के बाद एक काम करते हैं सबसे बेटर ऑप्शन है सेप डिवाइड कर दो उसको। तो क्या गया कोस टू पाई वाई एन इक्वल टू वन माइनस दिस इज आर स्क्वायर अपॉन ये सॉरी टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर वन को रिमूव करने के लिए क्या करोगे वन के साथ कोस का फॉर्मूला तो सबसे पहले वन के साथ कोस को अपन रिमूव कर देते हैं या फिर पहले इसको दशिप कर दो तो टू आर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा फॉर्मूला अगेन वन माइनस टू साइन स्क्वायर पाई वाई एन इो वन सेवन चला गया माइनस माइनस प्लस टू से टू कैंसिल तो फाइनली आ गया आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू साइन π by n ठीक है तो अगेन इसका ले लो रेसिप्रोकल क्योंकि अपन को तो R समुलार को करना है सेपरेट ये जाएगा कुछ से एक π by n सेपरेट डिवाइड कर दो तो R अपन R आ जाएगा कुछ से एक π by बस सबसे पहले इतना करना है अब आगे की थीम देखोगी आगे कैसे किया क्वेश्चन को ठीक है तो ये तो कर सकते हैं अपने जीव में फर्स्ट सबसे पहले बात की फर्स्ट ऑप्शन की अगर एन आपका फोर है तो एन को फोर लेने पे, कुछ एक 45 की वैल्यू क्या होती है तो तो डायरेक्टली आ गया इज़ आर होगी इक्वल क्या लगा लेस देन ग्रेटर देन ये ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग सिमिलरली जब एन को आप लोगे फाइव या फिर एक काम करते हैं जैसे एन को कुछ भी ले लो सारे ऑप्शन करने जैसे एन को ट्वेल्व ले लो क्योंकि इनकी वैल्यू सिंपल याद है मेरे को एन को ट्वेल्व टू रू टूगा आर अपॉन आर इक्वल टू कितना रूट टू सॉरी रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू तो उसका ले लेते हैं रेसिपल तो जाएगा टू रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस वन माइनस के वन

लेस देन ठीक है और कोई बात नहीं आप ऐसे कर सकते हो ऑप्शन से देख लो आर ये तो आप आर अपन की वैल्यू पुट कर लो अगर टू आ गया तो ठीक है तो फॉल्स हो जाएगा और क्या ठीक है ना तो और, और अच्छा समझना है कि नहीं और अच्छे से बताओ तो आप ये कर सकते हो कि रूट टू रूट थ्री प्लस वन माइनस वन और रूट टू 3 1, इन दोनों में है तो तो ये 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 ग्रेटर हो गया लो तो कौन अपना RYR, तो RYR क्या जाएगा हो ठीक है ना तो आप कैसे भी समझ सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करने पर इसका फोर्थ ऑप्शन क्या आ गया बोलो करेक्ट सिमिलरली अपन को सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को भी क्या करना है बोलो वेरीफाई तो अब एक काम करते हैं एन को पुट करते एन इक्वल टू एट अपना रिलेशन था आर अपन आर इक्वल टू कुसेक पावाई एन माइनस के वन एन को एट लेने पर आ गया आर आर अपन पाईवाई एट कब ट्वेंटी टू एंड हाफ साढ़े बाईस डिग्री माइनस के वन साइन ट्वेंटी टू एंड हाफ की वैल्यू के लिए क्या करते हैं अपन कोस टू टीटा का फॉर्मूला यूज करो

की वैल्यू क्या होगी इसका रेसिपोल कर दो, दोन रूट टू माइनस वन आर अपन रूट टू माइनस वन क्या आर अपॉन आर रूट टू माइनस वन से गेटर हो नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपको देखना है क्या इसकी वैल्यू रूट टू माइनस वन से ग्रेटर होगी ये वैल्यू तो बेटा बहुत कॉन्स्ट

तो आपको साइन एटीन और कोस थर्टी सिक्स की वैल्यू से कुसे थर्टी सिक्स की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बोलो कैलकुलेट तो इसको सोल्व करने से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसको आपको कंपेयर करना कि कौन ग्रेटर है कौन ग्रेटर है बाकी क्वेश्चन का जो मेन थीम थी वो क्या थी अपन को आर स्मॉल आर और एन में क्या लेके आना था बोलो रिलेशन तो इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा बोलो करेक्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन क्या है आपको थ्री वेक्टर गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी वन बी टू बी थ्री सारा कुछ रियल है थ्री वेक्टर सच दैट बी टू बी थ्री का प्रोडक्ट पॉजिटिव है ये बी थ्री बी थ्री बी टू बी थ्री मतलब ये रियल नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है बोलो जीरो और ये मैट्रिक्स गिवन है आपको फॉलिंग ऑप्शन तो को करने की थीम क्या थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड ऑप्शन देखना है तो थर्ड ऑप्शन तो हो गया था इसमें थर्ड ऑप्शन का मतलब काूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर एक बात बोली गई कि ए डॉट बी का मल्टीप्लाई कितना है ए डॉट बी जीरो आ गया थ्री प्लस बी टू माइनस बी थ्री कितना बोलो जीरो ये लिखने के बाद क्या करेंगे ध्यान दें इसमें एक काम करते हैं बी थ्री को पुट कर देते हैं अपन थ्री प्लस बी टू तो इससे आ गया रूट ऑफ वन प्लस बी टू स्क्वायर और थ्री प्लस बी टू का स्क्वायर स्क्वायर खोलने पे कह जाएगा नाइन प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सिक्स बी टू आ गया तो फाइनली इससे अपना मोड भी आ गया रूट ऑफ टेन प्लस टू बी टू का स्क्वायर प्लस सिक्स बी टू तो टू बी टू कोमन ले लो तो ब्रैकेट में आ गया बी टू प्लस थ्री अब अगला पार्ट क्या है आपको बी टू बी थ्री का प्रोडक्ट कितना के मैंने बोलो जीरो तो मैंने एक काम किया इसमें बी टू बी की, की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस बी टू बस इसका कॉन्सेप्ट यही था तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया पॉजिटिव तो B2 ये क्वांटिटी आपकी कैसी है बोलो पॉजिटिव तो ये क्या होगा टेन से ग्रेटर तो अल्टीमेटली मोड बी की वैल्यू क्या होगी रूट टेन से ग्रेटर तो 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 देन इसका इसका इक्वल टू लगाना नहीं है बेसिकली थर्ड ऑप्शन तो तो क्या होगा बोलो ट्रू थर्ड ऑप्शन को वेरीफाई करने का तो ये ऑप्शन हो गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं बस थर्ड ऑप्शन की कंडीशन ही थी ये बस इसका आगे कोई यूज है नहीं अभी हाँ ए डॉट बी की जरूरत पड़ सकती है इसको केयरफुली देखना स्टूडेंट क्या करते हैं बेसिकली इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और तो कंपेयर आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ये जो मैट्रिक्स है ना ये देख देखना आप जब आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट इधर होगा एक इधर एक इधर और इक्वल टू में दिस पार्ट आ जाएगा तो कंपेयर करोगे आप इसका पता पते क्या है ये जो सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है देखो ना ये बी वेक्टर के तो एलिमेंट है ना और पता पते क्या ध्यान थ्री वन ये तो ए वेक्टर के कंपोनेंट है ये सी वेक्टर के कंपोनेंट है अल्टीमेटली राइट पार्ट में ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर ध्यान दे तो एक बात समझो जब आप सी को बी वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे तो क्या लिखोगे समझा देते हैं डिटमिनेट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप सी वेक्टर के सी वन सी टू सी थ्री वन बी टू बी थ्री मल्टीप्लाई किया वेक्टर माइनस सी वेक्टर करोगे आप तो कितना जाएगा थ्री माइनस सी वन आई कैप आई को आई से कंपेयर जे को जे से कंपेयर के को के से कंपेयर तो उससे करने से आपको क्या मिलेगा वो तीनों रिजल्ट क्या मिल जाएंगे इक्वलेंट तो उसको अपन इनडायरेक्ट वे में इस वेक्टर की फॉर्मेट में इस टाइप से क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट तो क्वेश्चन दिखने में कुछ पार्ट मैट्रिक्स का भी लग रहा है कुछ पार्ट क्या का? का. Question, है का सॉरी वेक्टर का वट एक क्वेश्चन कंप्लीटली वेक्टर की फॉर्मेट से किया जा सकता है ठीक है चलो तब तो स्टार्ट करते हैं इसको तो इससे अपन को फाइनली पता चल चुका है कि जो वेक्टर है ये कंडीशन है मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब आपको ए डॉट बी जीरो काम करते डॉट सी और बी डॉट सी के लिए सबसे पहले इसको ए के साथ डॉट कर दो आप सॉरी बी के साथ क्योंकि तो बी के साथ डॉट करोगे तो जीरो बन जाएगा ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी तो इससे आ गया ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी तो फाइनली ए डॉट बी जीरो है ना तो इससे बी डॉट सी कितना आ गया बोलो जीरो आ गया ये ऑलरेडी आ चुका है फिर उसके बाद मैंने क्या किया इसको एक बार ए के साथ डॉट कर दिया जब ए के साथ डॉट करोगे ए के साथ सॉरी सी के साथ तो सी के साथ डॉट करने से आ जाएगा ये ए डॉट सी माइनस मोड सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ए डॉट सी इक्वल टू मोड सी स्टेटमेंट लिखने के बाद अब आपको एक तो मोड सी की वैल्यू चेक करनी है तो आप एक बात सबको आना चाहिए रिलेशन है ए डॉट सी इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू पढ़ा होगा आपने मोड ए मोड सी लिख सकते हैं थीटा लेस देन वन तो ए डॉट सी से मल्टीप्लाई कर दो तो और ए डॉट सी का मतलब मोड सी का स्क्वायर देन मोड ए सी एक सी कैंसिल तो अल्टीमेटली जो मोड सी की वैल्यू है वो क्या होगी रूट ऑफ नाइन वन वन इलेवन मोड सी लेन रूट इलेवन तो इसका एक फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया मोड सी आपका रूट इलेवन से लेस है और इतना आने के बाद अब आप खुद समझ सकते हो आपको अब फर्स्ट ऑप्शन करना है कि ए डॉट सी जीरो सकता है क्या तो बताओ ए डॉट सी जीरो मोड़ सी जीरो मोड सी की वैल्यू जीरो नहीं होगी ए डॉट सी को जीरो मोड़ सी का, मतलब का स्क्वायर कितना आ गया जीरो तो देन मोड़ सी कितना जाएगा बताओ जीरो तो ये बात गलत फुल हो जाएगी ठीक है इसलिए इसमें क्योंकि ए डॉट सी जीरो लेने का मतलब ए डॉट सी जीरो आ गया तो गलत है वो ए बी सी कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं क्योंकि सी कोई वैक्टर के बनाए इसलिए इसका ओनली सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ही आपको क्या करना है फिल तो इस क्वेश्चन की मेन जो कंडीशन थी थी वो कि इसको आपको फॉर्मेट से कंपेयर करना है है ठीक थैंक यू सॉरी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या ध्यान दो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है लेंथी भी बोल सकते हैं अपन हाँ। आपको हाँ।

ए e की पावर माइनस के ट्वेल्व एक्स और सोलूशन क्या लिखेंगे देंगे वाई इंटीग्रेटिंग सॉरी प्लस ट्वेल्व एक्स होगा वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर ट्वेल्व एक्स इंटू कॉस पाई एक्स वाई ट्वेल्व डी एक्स इसके बाद ये लेंथ इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप आईलेट लगाओगे तो दो बार लगाना पड़ेगा आईलेट और आपको पता होना चाहिए या फिर आप आराम से करो आई मान के टू ट्वाइस टाइम क्या, क्या लगाओगे बोलो बाई पार्ट तो ऑटोमेटिकावर को एक्स कोस बी एच डी एक्स इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें की पावर एक्स और मैं तो अभी मना कर रहा हूं अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप इसको नॉर्मल वे में सोल्व करो आईलाइट करके हो जाएगा सोल्व यह आता है कोस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी प्लस सी तो देखो इसका बेनिफिट ये बी की वैल्यू के पाई बाई इसमें जब ए को ट्वेल्व और बी को क्या लोगे बोलो पाई बाई ट्वेल्व तो फाइनली बी अपोने कितना आ गया पाई आ गया ना तो टेन इनवर्स पाई ये तो बन जाएगा जीरो ये तो क्या बन जाएगा फाइनली जीरो और आप कोई दिक्कत नहीं है इसको साइन कोर्स में रखो उससे भी कर सकते हैं तो ये वैल्यू तो क्या बनेगी अपनी जीरो तो ये अगर जीरो आ गया या फिर कोई दिक्कत नहीं इसको बोल सकते को मैंने दे दे। क्या दे दे दे? अल्फा इतना लिखने के बाद अब आगे के, देखो क्या करना है सी की वैल्यू लाने के लिए अपन एक्स को क्या पुट करेंगे बोलो जीरो जब एक्स को जीरो पुट करोगे तो ई की पावर जीरो वन कोस जीरो वन तो इससे कुछ आपको कोस के टर्म मतलब को में एक फंक्शन अचीव होगा मतलब सी की वैल्यू जीरो आउट नहीं होगी ध्यान दें इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस ही कर देते हैं समझाने के लिए थोड़ा लेंथ कर सकते वाई e की पावर ट्वेल्व एक्स इक्वल टू आ गया ई e की पावर ट्वेल्व एक्स रूट वाला पार्ट कुछ पॉजिटिव होगा नो प्रॉब्लम और ये आ गया कोस बी एक्स माइनस अल्फा अल्फा कुछ कॉन्स्टेंट है प्लस सी इतना आने के बाद जब आप x को जीरो लोगे e की पावर जीरो वन e की पावर जीरो वन ये जीरो हो गया तो cos अल्फा आ गया अल्टीमेटली तो इससे आ गया और y ऑलरेडी जीरो है तो जीरो तो कितना लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू e की पावर जीरो वन ये आ गया cos अल्फा रूट ऑफ दिस पार्ट प्लस सी इतना आने के बाद इस वैल्यू सी को पुट कर दो तो आ गया वाई ई की पावर टेल्व एक्स इक्वल टू ई की पावर ट्वेल्व एक्स अपन रूट ऑफ ए स्क्वास बी एक्स माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा रूट वाला पार्ट तो रूट वाला पार्ट तो क्या जाएगा बोलो डायरेक्टली सॉरी रूट वाला पार्ट को मतलब तो ई e की पावर ट्वेल्व एक्स ओनली इससे मल्टीप्लाई होगा चलो ऐसे रहने देते ये लो और अभी काम कर सकते हो की पावर ट्वेल्व एक्स को क्या कर देते डिवाइड तो तो फाइनली y आ गया करोगे तो ये, जाएगा से, तो ये आ गया, वन वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वास बी एक्स माइनस अल्फा माइनस कोस अल्फा ई की पावर माइनस के ट्वेल्व एक्स ठीक है एक्स की वैल्यू पता ही है अपन को इतना लिखने के बाद अब एक बार ध्यान देना इसके बाद आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये वाई हो गया आपका अब सबसे पहले बोला गया कि इनक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल वर क्या करोगे डिफ्रेंसिएशन जैसी आप इसका वाई डीस करोगे डी ओवर डी एक्स तो उसका डी डीवाई डी एक्स क्या होगा भार वाला पार्ट कॉन्स्टेंट इट इज कोस का क्या होगा माइनस साइन बी एक्स माइनस अल्फा और बी आ जाएगा मल्टीप्लाई में अगले का माइनस कोसल्फा एज इज और इसका ए की पावर माइनस ट्वेल्व एक्स और प्लस के ट्वेल्व जैसे आप इस डी वाई डी एक्स को जीरो करोगे तो जो डी वाई डी एक्स है आपका वो कुछ पॉइंट्स पे क्या आएगा बोलो जीरो की तरफ ट्रेंड करेगा ये करके देखना आप इसको ही जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप और इसको ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली इसमें क्या होगा जब इसको इक्वल करोगे तो ये जाएगा बी साइन बी एक्स माइनस अल्फाइक् दिस पार्ट e की पावर ट्वेल एक्स को सेपरेट कर दो और टिक्नोमेट्रिक पार्ट को क्या कर दो सेपरेट और जब दोनों के डायग्राम बनाओगे तो दोनों के डायग्राम एक दूसरे को क्या करेंगे काफी सारे पॉइंट पे क्या करते हैं बोलो इंटरसेक्ट इसका मतलब हो गया जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसके इधर पॉजिटिव इधर क्या होगा नेगेटिव या इधर नेगेटिव इधर क्या होगा बोलो पॉजिटिव एक नहीं हुआ काफी सारे पॉइंट्स होंगे इसका मतलब फंक्शन कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग होगा कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग

जब आप इसके डायग्राम को देखोगे ध्यान देना ये थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है सोचना है इसमें बाकी डायग्राम कुछ बनाना नहीं इसमें ध्यान देना जो अपन ने वाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी वाई को जीरो वैल्यू मिलेगी देखना ये डायग्राम रफली ऐसे बनेगा कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो क्वेश्चन ने बोला गया कि ए रियल नंबर बीटा सच एक रियल नंबर बीटा इस तरीके से है कि वाई इक्वल टू बीटा की लाइन इस कर्व को मोर देन मतलब इन्फिटी पॉइंट पे क्या करती है बोलो इंटरसेट तो देन इसका ओनली थर्ड ऑप्शन आपको क्या करना है बोलो टिक करना ठीक है इसके बाद इसमें फोर क्वेश्चन हो रहे हैं उनको नेक्स्ट सर डिस्कस करेंगे कमल सर थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ काउंसिल्स फैकल्टी जेई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू क्या मैथ्स के पेपर सेकेंड का तो अपने सेक्शन थर्ड का तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है उसमें चार क्वेश्चन है अभी डिस्कस करेंगे तो ओके okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या so, है कंसीडर फोर बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स कंटेन्स थ्री रेड बॉल्स तो चार बॉक्सेस है प्रत्येक में कितनी रेड बॉल्स है तीन रेड बॉल्स है एंड टू टू ब्लू बॉल्स है तो so, सब में क्या है आपके पास में दिस बॉक्स बी वन सो दिस कंटेन्स थ्री रेड एंड टू फिर अगेन बी द सेकेंड बॉक्स सो दिस वी रेड

तो one red one, one can be selected. तो और देखो हर एक box से आपको क्या है red को select करने का एक algebraic expression लेते हैं। अब question में ये दिया हुआ है कि सभी रेड बॉल निकाली ओके okay? तो इसका अल्जबरिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ एक्स रिप्रेजेंट थी नंबर ऑफ बॉल्स तो सेकंड वन हो सकता है आपके पास से फर्स्ट बॉक्स में से हमने दो बॉल दो रेड बॉल निकाल ली ओके okay? तो इसका पावर क्या आएगी फिर आपके पास में है। हो सकता है हम तीनों रेड निकाल दिए इसमें से तो आपको यह देखना है कि भाई हर एक बॉक्स में से कम से कम एक बॉल जरूर निकालनी है रेड बॉल जरूर निकालनी है तो ये आपके पास में दिस इज द एलज्रिक एक्सप्रेशन फॉर द रेड बॉल ठीक है रेड बॉल के लिए सो व्हेन द रेड बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम इच बॉक्स क्या थ्री सी टू एक्सर सो हेर वी है सभी रेड बॉल को निकाल लिया उसका आपके पास में थ्री सी थ्री एक ही वे होगा तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर वी है फोर बॉक्सेज देयर सो दिस एक्सप्रेशन बिलकर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स फोर टाइम्स इस तरीके से आएगा अब सिमिलरली फॉर किसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ब्लू बॉल्स के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ब्लू बॉल के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपके पास में ईच बॉक्स कंटेन्स हाउ मेनी बॉल्स देयर हाउ मेनी ब्लू ब्लू बॉल्स बॉल्स देयर टू ओके तो अब अपने पास में दो ब्लू बॉल्स सब में है ना ईच बॉक्स कंटेन्सर टू ब्लू बॉल्स अब इसमें इस तरीके से हो सकता है भी आप क्या है एक ब्लू बॉल निकालें फ्रॉम वन बॉक्स फ्रॉम ईच बॉक्स दैट इज टू सी वन एंड एक्स रेस्ट ऑफ वन And, हो सकता भी आपके पास में तो फ्रॉम ईच बॉक्स यू वन बॉक्स भी ड्रा दू बी टू इन टू एक्सर ऐसा आएगा अब आपके पास में ये एक algebraic expression हो गया फॉर द ब्लू बॉल्स हाउ मेनी ऐसा तो कितने बॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है यहां पे आपको वी बॉल्स तो ये आपके पास में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया इसमें आपको क्या करना है एक्स बार टेन का कोपिशन लेना है तो देखो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे थ्री सी थ्री एक्स यहाँ पे थ्री एक्स केयर हेयर बी है इधर आपके पास में टू हेयर बी एक्स इधर एक्स केयर एंड टेकिंग द एक्स कॉमन फ्रॉम हेयर एंड एक्स कॉमन फ्रॉम हेयर एक्स रेज फॉर एट आ जाएगा आपके पास में एक्स रेज फॉर एट सो हेयर बी है थ्री प्लस थ्री एक्स

एंड टू प्लस एक्स होल इज फोर ये आएगा क्लियर इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या चाहिए देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है आपके पास में सिक्स हेयर वी एफ थ्री एक्स एंड प्लस सो वी एफ थ्री एक्स एंड सिक्स एक्स एंड थ्री एक्स ओके सो हेयर वी एफ टू एक्स स्क् प्लस एक्स क्यूब होल एज टॉप फोर इस फॉर्म में आएगा तो ये वाला तो अपने को चाहिए नहीं क्लियर है तो ये आपके पास में एक्सप्रेशन क्या बन गया यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू हियर वी हैव हाउ मेनी एक्स स्क्वायर हियर फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर एंड दिस इज नाइन एक्स नाइन एक्स एंड होल पावर वी हैव हियर फोर फोर आ गया

थर्टी सिक्स इन टू एक्स ये बनेगा आपके पास में इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ठीक है क्योंकि मैंने इसमें से देखो आपको ना x की पावर फोर वाला टर्म और एक्स क्यू वाला टर्म वो आपको डिलीट कर देना है इसको आपको वो लेना ही नहीं क्योंकि आपको किसका कोफिशियंट चाहिए वी रिक्वायर द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र हियर ठीक है अब देखो यहां से आपके पास में सेवनटी टू यहां से जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र तो सेवनटी सेवेंटी टू इन टू वन फोर वन प्लस वन हंड्रेड एट एक्सर स्को आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट हियर इससे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ट्वेंटी वन एट वन सिक्स ओके सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे दिस इज इक्वल टू बी हैव हियर एम तो ये एम के इक्वल है यहाँ पे एम के इक्वल है आपके पास में मेट्रिक इक्वल टू एम एम के इक्वल है क्लियर है तो इसको देखो आप एमके इक्वल लिखे सो वी है फाइव तो ये आपके पास में किस फॉर्म है फाइव अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट टू एंड माइनस थ्री पॉइंट टू एंड माइनस वन पॉइंट टू ओके अब इसको अगर अपने देखो थोड़ा सा सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो किस फॉर्म में ये आया हुआ है आपके पास में तो एम को किस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं देखो यहाँ पे तो इसको कहीं अपने अप कर सकते हैं तो अप अगर करें तो इसमें देखो किस फॉर्म में ये बनेगा तो यहां से मैं इसमें से आई अलग कर देता हूं आई ठीक है ना आई अगर अपने अलग करें तो देखो कैसे यहां से वन जीरो जीरो वन ओके प्लस इसमें आपके पास में किस फॉर्म में आएगा ये सो हेयर वी हैव थ्री बाई टू एंड हेयर वी हैव थ्री बाई टू एंड दिस इज माइनस थ्री बाई टू एंड वी हैव हेयर आपके पास में इधर माइनस वन पॉइंट टू चाहिए ना माइनस थ्री अपॉन टू ओके तो ये एम को मैंने किस फॉर्म में लिखा आई प्लस थ्री बाई टू एंड दिस वी हैव ये आ गया आपके पास में तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं दिस वी हैव अज्यूम देयर थ्री बाई टू ए इसको मैंने अज्यूम कर लिया ओके दिस इज वी हैव एम एम के इक्वल आ गया अब देखो इसको अगर अपने ए का स्क्र करते हैं इफ यू टेक द स्क्यर ऑफ ए इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं वन वन माइनस वन माइनस वन एंड वन वन माइनस वन माइनस वन क्लियर है अब इसको आपने जब तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हेयर वी हैव दिस इज ज़ीरो एंड दिस वी हैव अगेन जीरो सो दिस वी हैव हेयर वी हैव माइनस एंड प्लस वन दिस इज ज़ीरो जीरो तो आपके पास में ए स्क्र क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो अगर इफ यू टेक द एम स्केयर एम स्केयर अगर अपने लेते हैं तो देखो आपके पास में किस फॉर्म में आ रहा है ये तो दिस विल बी इक्वल टू बी है तो आई स्क्र भी है i इसका स्क्वेयर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो हेयर वी हैव सो टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री अगर मैं इसका फिर स्क्वेयरिंग करता हूँ आपके पास में अगेन स्क्वेयरिंग करते हैं तो देखो ये आपके पास में एक पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे जिस टू ए अगर फिर स्क्वेयरिंग करें तो इसका स्क्वेयरिंग करें अगेन सो वी हैव स्क्वेयरिंग अगेन तो व्हाट डू वी गेट दिस इज आई एंड फिर आपके पास में यहाँ पे टू ए आया ना क्लियर है तो थ्री बाई टू तो कॉमन रहेगा फिर आपके पास में फोर आ जाएगा तो आपके पास में थ्री टू हेयर वी है पे? फोर ए तो, तो जो यहाँ पे पावर आ रहा है वही इसकी पावर में मतलब ए का मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे ठीक है तो ऑफ फोर वी ओके तो देखो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो ये मैंने एम एम रेश फोर ये निकाला तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो एम रेश पावर

वैल्यू ऑफ ए वन वन माइनस वन माइनस वन इस फॉर्म में आ गया तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास में किस फॉर्म में आएगा वन जीरो थर्टी थ्री एंड माइनस थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री माइनस थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री इस फोर में आ गया तो ये आपके पास में फाइनल क्या बना आपके पास में थ्री थाउजेंड थर्टी फोर

सेवनटीन क्वेश्चन में क्या है बेटा तो बॉक्स वन कंटेन द एट रेड बॉल्स एंड थ्री ब्लू एंड फाइव ग्रीन बॉल्स तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ठीक है अब इससे बॉक्स सेकंड कंटेन द ट्वेंटी फोर रेड एंड नाइन ब्लू बॉल एंड फिफ्टीन ग्रीन बॉल्स तो बॉक्स थर्ड कंटेन द वन ब्लू ट्वेल्व ग्रीन एंड थ्री येलो ओके एंड बॉक्स फोर कंटेन द टेन ग्रीन एंड सिक्सटीन ऑरेंज एंड सिक्स व्हाइट बॉल्स, ए बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली एक बॉल को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम बॉक्स वन एंड कॉल दिस एज ए बी, तो उसको बॉल का क्या नाम है बी तो एनी बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स वन सो बॉक्स वन में आपके पास में बॉक्स वन कंटेनसर भी है so, में, आपके पास में एट रेड एंड थ्री ब्लू एंड फाइव ग्रीन ठीक है ये बॉल्स है अब इसमें आपके पास में क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो वन बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स वन कॉल दिस एज ए बी बी इफ बी इज रेड सो अगर बी रेड है सो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड दैट इज एट अपॉन हियर वी हैव दिस इज हेयर अपॉन है ट्री डायग्राम से कर ले थोड़ा सा सिंपल रहेगा सो देन फ्रॉम द बॉक्स सेकेंड बॉक्स सेकेंड से आपको क्या है सिलेक्टेड सो बॉक्स से आपके पास में सो ट्वेंटी फोर रेड क्लियर एंड नाइन नाइन बिलीव। एंड फिफ्टीन सो फोर्टी एट ठीक है तो इसमें से एक बॉल सेलेक्ट की जाती है फिर आपके पास में सिमिलरली इफ दिस बॉल इज इफीज ब्लू, देन ये सेकेंड बॉक्स आ गया फिर आपके पास में थर्ड बॉक्स में से फिर एक बॉल को इफ दिस इज बॉल इज ब्लू सो ब्लू है तो थ्री अपॉन क्या आएगा, आएगा आपके पास में यहाँ पे सिक्सटीन थ्री अपॉन सिक्सटीन ये रहेगा सो थ्री अपॉइंट सिक्सटीन हो गया आपके पास में नाउ सेकेंड

बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फोर्थ बॉक्स की जाती है क्लियर so है, so है. है अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखो तो द कंडीशन प्रोबर्टी दैट दी इवन दट वन ऑफ दिलेक्टेड बॉल इज वाइट वन ऑफ दिलेक्टेड बॉल इज़ व्हाइट, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है ना वन ऑफ गिवन दैट गिवन क्या है, यू रिक्वायर दिस प्रोबेबिलिटी, प्रोबलिटीड बॉलीज ग्रीन तो आपके पास में एटलीस्ट वन बॉलीज एट लीस्ट वन एटलीस्ट वन ऑफ बॉल इज़ ग्रीन तो आपके पास में उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी एटलीस्ट वन वन ऑफ दिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन तो उसमें पहले अपने लेट द इवेंट कर लो लेट लेट जी बी द इवेंट द एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल ग्रीन बॉल एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल इज सिलेक्टेड ठीक है फिर नाउ डब्ल्यू सो so, इस इवेंट को अपने क्या लेट कर लेते हैं सो अज्यूम दैट दी वी हैव द हियर दी सिलेक्टेड बॉल इज क्या है सो वन ऑफ दिस सिलेक्टेड बॉल इज वाइट सो वन ऑफ सेलेक्टेड बॉल इज वाइट ठीक है अब अपने पास में सो विच प्रॉब्लिटी विच इवेंट हैजरेडी अकट दैट इज जी सो बी रिक्वायर हेयर बी दी अपने को क्या चाहिए यहां पर सो बी रिक्वायर हेयर बी है सो पी डब्ल्यू अपॉन जी ये चाहिए कंडीशन प्रोटो हेयर बी है पी जी अरे क्लियर है तो आपके पास में इधर P W एंड इंटरसेक्शन वी हैव हियर जी ये ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एटलीस्ट वन वन ऑफ द ग्रीन बॉल सो ग्रीन बॉल के लिए फिर आपके पास में देखो यहां से आपके पास में ग्रीन आ गई तो इसके लिए सेकंड बॉल यहां से ग्रीन के लिए फिर आपके पास में इधर से ग्रीन ये रेड होगा तो so, ग्रीन आपके पास में यहां से ग्रीन 15 अपॉन वी हैव 48 ओके तो यहां से ग्रीन आपके पास में 12 दिस इज वी हैव 16 सो so, 12 अपॉन 16 ओके तो यहां से आपके पास में कोई भी बोलो तो आपके पास में एटलीस्ट वन ग्रीन तो आएगी ना इसमें यहां से तो so, क्वेश्चन में वन ऑफ दी सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन सो एटलीस्ट वन ऑफ दी सिलेक्टेड बॉल्स सो वी हैव एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन देयर तो आपके पास में उसका इवेंट क्या रहेगा फिर आपके पास में सो दिस इज वन सो वट इज दीजी पीजी विल बी हेयर चाहे कुछ भी हो कैसी भी बोलो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वन रहेगी आपके पास से पी जी क्या है फिर आपके पास में यहाँ पे सो दिस वी है एट सिक्सटीन फिफ्टीन अपॉन फोर्टी एट प्लस सो ट्वेल्व अपॉन सिक्सटीन एंड थ्री अपॉन सिक्सटीन Plus so 5 upon 16 into 1. And now we require the one green and one white one. So that will be here P. So that will be the from the box fourth, fourth box is possible. Hoga. So that will be here we have. So this is 5 upon 16 and here we have the this is and 6 upon 32. 6 upon 32. फाइव अपॉन फाइव अपॉन सिक्सटीन एंड सिक्स कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो किस फॉर्म में आता है प्रोबलिटी ऑफ सिलेक्टिंग उसमें वन में देखो आपके पास में इसमें क्या हो सकता है आपके पास में सारे पॉसिबिलिटी केसेज ले लेते हैं तो इसमें सारे पॉसिबिलिटी क्यों लिया इसमें अदर बॉल क्या हो सकती है आपके पास में तो क्या हो सकता है आपके पास में वन ग्रीन एंड अदर आल्सो ग्रीन वन ग्रीन एंड अदर इज ऑरेंज फिर वन ग्रीन एंड अदर इज वाइट उनका सबका फिर इसके साथ में इंटू होगा दैट विल बी वन सो ओके तो अब इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो किस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास में तो दिस विल बी है थर्टी टू एंड फाइव अपॉन सिक्सटीन अपॉन में सो वी है एट अपॉन सिक्सटीन एंड अपॉन प्लस अपॉन एंड टू थ्री अपॉन सिक्सटीन एंड प्लस फाइव अपॉन सिक्सटीन जब बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे यू यू विल विल आंसर आंसर हियर विल बी द फाइव अपॉन फिफ्टी टू इसको सिंप्लीफाई करो

एटीन क्वेश्चन देखे बेटा अब इसमें एटीन क्वेश्चन में फोर पॉजिटिव इंटीजर n, सो वी आर गिवन द हेयर द सीरीज सीरीज के फॉर्म में दे रखा है तो आपके पास में एक्चुअल में ये कितने टर्म्स है अपने को ये देखना है तो यहाँ पे देखो फोर एन का मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है फोर एन फोर एन आर तो ये लास्ट वाले में देखो आपके पास में एक्चुअल में नीचे अगर देखें थोड़ा सा फोर तो एन आर एंड प्लस थ्री एन स्क्वायर तो r की वाले जब एन रखते हैं तो यू विल गेट हेयर द सेवन स्क्वायर

तो देखो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ तो सिक्सटीन प्लस फाइव एन माइनस थ्री एन स्क्र अपॉन फोर एन प्लस थ्री एन स्केयर हेयर भी है प्लस वन एंड प्लस थर्टी टू प्लस एन माइनस थ्री एन स्क्र एंड भी है थ्री एन स्क्र इस फॉर्म में आ रहा है तो प्लस फोर्टी एन माइनस थ्री एन थ्री एन स्क्र अपॉन प्लस थ्री एन तो हेयर वी हैव अगेन वी हैव एडेड वन तो वन इसमें भी ऐड कर दिया और वन इसमें भी ऐड कर दिया सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर कितने टर्म्स हैं आपके पास में तो वहां पे आपके पास में एन टर्म्स हैं तो उतना ही आपके पास में वन को एन टाइम्स आपने ऐड किया तो माइनस एन करेंगे यहां पे माइनस ओके सो दिस एन विल बी गेट कैंसल्ड तो आपके पास में ये एन कैंसिल हो जाएगा तो ये फाइनली इसको जब आप सॉल्व करते हो देखो यहां से आपके पास में एल्सियम लेंगे तो ये थ्री एंड स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो एफ एन वी आर गेटिंग हेयर तो सिक्सटीन प्लस नाइन एन अपॉन फोर एन प्लस थ्री एन स्केयर इस फॉर्म में आ रहा है सो थर्टी टू सो थ्री एंड स्केर कैंसल तो प्लस नाइन एन अपॉन एट एन प्लस थ्री एन स्केयर

इससे आपको क्या है उस डेफिनेट इंटीग्रल की lower limit मिलेगी तो so so आपके पास से वन आएगी तो एक्चुअल में ये आपके पास में देखो इसको मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से आर अपॉन एन यहाँ से अपने क्या करते हैं एन देखो इस फॉर्म में लिख दिया इसको R is equal to 1 to N. तो तो ये ये आपका एक definite integral में चेंज हो जाएगा तो so, ये दिस विल बी इक्वल टू जीरो टू वन एंड वी हैव सिक्सटीन एक्स प्लस नाइन अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री क्लियर है अब आप इसको जब आपने सिंप्लीफाई करोगे इसमें देखो इसको मैं फोर से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से इसको वी हैव हेयर अप्लाई इन दिस वे तो फोर माइनस दिस इज सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व थर्टी तो ट्वेल्व हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे तो सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व सो वी हैव टू सब्टेक्ट माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री ये आपको इस तरीके से लिखेंगे तो अब इसमें जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल हैव एंड इट्स लिमिट्स वी आर हैविंग फ्रॉम टू से 1 में इसकी लिमिट है आपके पास में तो क्या आएगा सो लॉग सेवन माइनस लॉग थ्री यानी क्या आएगा लॉग सेवन अप्री सो बी है अपॉन थ्री ये आएगा आपके पास में सो आंसर टू दिस क्वेश्चन बी है द सेकेंड ऑप्शन ओके तो बेटा ये आपके पास में फर्स्ट पेपर के लास्ट के चार क्वेश्चन सिंगल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्यूशन था ओके थैंक यू